माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले गंगोत्री, सो बहुत ही मज़ा होगा गंगोत्री। अभी निकलेंगे गंगोत्री के लिए और देख सकते हैं हम लोग का लॉज है। लॉज के पास जो व्यू है पहाड़ का, देख सकते हैं आप लोग। इधर से यमुना नदी बह रहा है, उधर पहाड़ है और यमुना नदी का जो स्रोत है उसका साउंड, ओ भाई एकदम मज़ा आ गया, पूरा फील आ गया। ये मतलब जगह में अगर आप आते हो तो पूरा एकदम क्या बताओ, पूरा नेचर के मतलब साथ जुड़ जाने वाला जगह है ये। तो जो भी हो अभी हम लोग निकलेंगे गंगोत्री, सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम बस में बैठ गए और मस्ती छोड़ दिया और अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री के। और इधर से हम लोग जाएंगे नाथला, नाथला से जाएंगे गंगोत्री। तो मेरा देख सकते हैं खिड़की से बहुत ही सुंदर सा एक व्यू है। तो देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर सा एक व्यू। तो इस व्यू का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गंगोत्री की ओर। गाइस ये व्यू देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर नजारा है। इधर रुक के थोड़ा सा लंच वंच करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी की ओर। सो उत्तरकाशी से हम लोग जाएंगे गंगोत्री। तो फिलहाल तो उत्तरकाशी जाएंगे, उधर से उधर जाके कुछ होटल में रुकेंगे शायद से। तो जो भी हो उत्तरकाशी जाते जाते अभी शायद से हम लोग को रात हो जाए, शाम हो जाए। तो अभी उत्तरकाशी जाएंगे, उधर से फिर रुक के थोड़ा सा जाएंगे फिर कल को गंगोत्री। पता नहीं आज रात को ही चलेंगे या कल को सुबह को चलेंगे, पर जाएंगे। तो आप बने रहिए व्लॉग में, हम दिखाते रहेंगे आपको और साइड सीन जो भी नज़ारा होगा वो भी दिखाते रहेंगे। सो बने रहिए व्लॉग में। सो गाइज एज यू कैन सी हम लोग उत्तरकाशी होते हुए आगे बढ़ रहे हैं गंगोत्री के ओर। और आप लोग देख सकते हैं मौसम भी कितना सही है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हुआ था। तो अभी हम लोग जाएंगे गंगोत्री। गाइस देख सकते हैं हम सब लोग मिलकर भी जा रहे हैं गंगोत्री। तो गाइस देख सकते हैं ये हम लोग का ग्रुप, ये हम लोग का अंकल जी और ये हम लोग अभी उत्तरकाशी में खड़े हैं और अभी हम निकलेंगे गंगोत्री की ओर। और मेरे पीछे ये व्यू देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। तो अभी हम निकलेंगे गंगोत्री, सो लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हैं हम सब लोग मिलकर भी जा रहे हैं गंगोत्री। तो गाइस अभी रात के 12:20 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग अराइव्ड हो चुके हैं गंगोत्री, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस सुबह 8 से 8:30 बजे निकलने के बाद हम लोग एक बार ब्रेक लिए थे लंच का। तो उसके बाद फिर नॉन स्टॉप चलते हुए आ गए हम लोग गंगोत्री। और मतलब 8:30 बजे निकले थे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए हम लोग लंच ब्रेक लिए थे। और उसके बाद जो नॉन स्टॉप चलने के बावजूद भी हम लोग पहुँचे अभी 12:20 को। सो अभी इधर से होटल जो है वो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही मतलब दूर है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी है ये गंगोत्री। सो जो भी हो मंदिर हम लोगों के पास ही में है,
अराउंड 200 मीटर की दूरी में, क्योंकि जो 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर था वो हम लोग बस से आ गए, रात का टाइम था तो छोड़ दिया। तो अभी हम लोग जाएंगे कल सुबह को, नहा धो के जाएंगे दर्शन करने। सो आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते, मिलते हैं कल सुबह गंगोत्री मंदिर में और एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस ये गंगोत्री मंदिर है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसी के थोड़ा पास ही में हम लोगों का होटल है आज से। तो गाइस ये है गंगोत्री मंदिर और इसके पीछे ही है हम लोग का होटल। बहुत ही खूबसूरत सा लॉज है हम लोग का, जो तो ये देख सकते हैं। हम लोग सुबह को नहा धो के आएंगे मंदिर दर्शन करने, जैसे यमुनोत्री पे था, यमुनोत्री पे था जैसे गौरी कुंड और ब्रह्म कुंड, यहाँ पे भी है सूर्य कुंड। तो हम लोग सुबह को आएंगे, सुबह को सूर्य कुंड में नहाएंगे, और सुबह को सूर्य कुंड में नहा गर्म पानी में नहाने के बाद हम लोग फिर ये मंदिर दर्शन करने आएंगे। मेरे पीछे ही देख सकते हैं ये है गंगोत्री मंदिर। और क्या, अभी तो फिलहाल होटल जाएंगे हम लोग, तो इसके पीछे ही हम लोगों का लॉज है, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत लॉज है मंदिर के पीछे ही, खिड़की से भी हम लोग देख सकते हैं मंदिर। तो जो भी हो चलते हैं होटल। तो जैसा कि मैं बताया था गाइस, उधर गंगा नदी है और स्रोत भी आप स्रोत का साउंड वेव आप सुन सकते हैं। और ये है गंगोत्री मंदिर और उसी के पीछे हम लोगों का होटल लॉज देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये हम लोग का पूरा ग्रुप आ रहा है धीरे धीरे, सभी ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये देख सकते हैं गाइस गंगोत्री मंदिर के पास ही में गंगा नदी बह रहा है। अभी शायद से कैमरा में दिखाई ना दे, पर कल सुबह जब आएंगे एक क्लियर व्यू दिखाऊंगा मैं, जब हम लोग आएंगे सुबह को बहुत ही सुंदर से क्लियर व्यू दिखाऊंगा मैं। और ये जैसा कि मैंने बताया गंगोत्री मंदिर। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया अभी रात का देर बज रहे हैं, 1:30 रात का बज रहा है, 1:30 AM। और अभी हम जाएंगे अपने, अभी थोड़ा सा आए टहलने के लिए, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा माहौल है, बहुत ही फ्रेश माहौल है। तो अभी जैसे थोड़ा सा पैदल दो चार मिनट थोड़ा सा टहल के फिर जाएंगे अपने होटल, अपने रूम जाके फिर भयंकर नींद लेंगे और उठेंगे कल सुबह, और मिलेंगे कल सुबह और एक नए शानदार ज़बरदस्त नए कंटेंट के साथ एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। देख सकते हैं मैं एकदम गंगा के पास ही में खड़ा हूँ और कितना सुंदर सा, मतलब एक फ्रेश साउंड, एकदम क्या क्वालिटी है भाई, ए क्लास क्वालिटी का ये साउंड आप लोग फील कर सकते हो, क्योंकि दिख तो नहीं रहा कुछ रात के अंधेरे में, बट आप फील कर सकते इसको। तो जो भी हो पास ही में है, थोड़ा सा टहलेंगे, टहल के जाएंगे होटल। तो देख सकते बहुत ही सुंदर सा जगह, और क्या बताए, कल सुबह को दिखाएंगे ये नज़ारा। और इधर सारा पेंटिंग्स वगैरह